आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे महाराष्ट्र में पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप खुद का मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाके आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ए टू जेड प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस ए टू जेड आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को आप तेज़ी से मत देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को आप फास्ट करके देखते हो तो यहाँ पर कोई भी अगर आप स्टेप मिस करते हो तो आपको फिर से दोबारा इस वीडियो को देखना होगा, तभी जाके आप कर पाएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके लास्ट तक देखिए, पूरा प्रोसेस ए टू जेड आपको एक ही वीडियो से मिलेगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में थ्री लाइन दिखता है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को इनेबल करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको बड़ा स्क्रीन में दिखे और अच्छा से आप समझ सके, ठीक है। तो आप भी सेम प्रोसेस अपना मोबाइल पर कर पाएंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो मोबाइल है उसे डेस्कटॉप मोड पर आप इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना ब्राउज़र पर सर्च करेंगे PCC महाराष्ट्र, ठीक है। इसी तरह आप सर्च कर लेंगे PCC महाराष्ट्र। आप सर्च करने के बाद आपका सामने यहाँ पर वेबसाइट आएगा, सबसे पहला वाला वेबसाइट जिस पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर pcs.mahaonline.gov.in, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो आपको उस पर क्लिक करना। होम पुलिस क्लियरेंस सर्विस, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्विस, तो आपको वो ये वाला सबसे पहले वाला लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका सामने दूसरा पेज यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ से हम लोग को अभी लॉगिन करना है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम PCC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अगर आप पहले कर चुके हो तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, इन स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा स्टेप लॉगिन, तीसरा स्टेप फिल एप्लीकेशन, चौथा स्टेप पेमेंट, उसके बाद देखिए वेरीफिकेशन बाय लोकल पुलिस स्टेशन, वेरीफिकेशन बाय CFC ऑफिस से, ठीक है। तो इन सारी ऑफिस को स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपका PCC बन के रेडी हो जाएगा। सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो आप थोड़ा ध्यान पे देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। सो पहली बार अगर आया तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का देखिए ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने का पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहला यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। ये आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप डालेंगे तो चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप आधार नंबर मत डालिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम, आप अपना लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट नेम के साथ, अगर मान लीजिए अगर आपका तीन वर्ड में नाम होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, राम कुमार शर्मा, अगर ऐसा कुछ नाम है तो यहाँ पर आप लास्ट नेम में शर्मा लिखेंगे ऊपर, फर्स्ट नेम में क्या लिखेंगे, राम कुमार लिख देंगे, दोनों नाम यहाँ पर ऐड करेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, लास्ट नेम में शर्मा, राम कुमार शर्मा, तो तीनों नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल नेम में आपका क्या करेंगे, फादर्स मिडिल नेम या हस्बैंड नेम, अगर आपका हस्बैंड है, अगर आप कोई लेडीज़ है तो आपका यहाँ पर हस्बैंड का नाम डालेंगे, अदरवाइज आप फादर नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपका CP और SP ऑफिस सिलेक्ट करना है, आपका जो भी CP ऑफिस रहेगा आप यहाँ से नज़दीक का वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका टाइप करेंगे, ये मोबाइल नंबर आपका एज ए यूज़र नेम हो जाएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये मोबाइल नंबर डाल आपका यूज़र नेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग डालेंगे, कंबाइंड डालेंगे, जैसे कि अगर आपका नाम सचिन है तो sachin@1234.5 या sachin@ डाल के या कुछ और न्यूमेरिकल सिंबल डाल के कुछ नंबर अगर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दोबारा डालेंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या ईमेल ID यहाँ पर डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है नीचे, व्हाट इज़ द थर्ड नंबर अमंग फॉलोइंग द लिस्ट, यहाँ पर तीसरा नंबर कौन सा है आप यहाँ से देंगे, जैसे कि यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर 90 डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने होम पेज पर आए थे, सबसे पहले जैसे कि ये वाला पेज पर आए थे हम लोग, तो ये वाला पेज पर आ जाएंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर टाइप करेंगे, जो पासवर्ड आप बनाया हुआ है वो टाइप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे,
लॉगिन कर देंगे। अगर आपने आप पहले कोई यूज़र नेम पासवर्ड बनाया हुआ था और भूल गया तो नीचे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड को फिर से रिजेनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अगर आपने पहले कभी PCC बनाया है तो यहाँ पर आपका पूरा पहले का भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहला सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज़रा सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट आया, नीचे यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अबाउट। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए। देखिए सबसे नीचे वाला जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अबाउट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप दूसरा विदेश जाने के लिए, इंडिया छोड़ के दूसरा किसी कंट्री में जाने के लिए आप PCC बना रहे हो तो आप नीचे वाला ऑप्शन से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मिडिल में जो ऑप्शन है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हो तो यहाँ पर मिडिल वाला ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। इसका थोड़ा ज़्यादा है पेमेंट, इसको थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये नॉर्मल करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर आप एक एम्प्लॉई है, हाउसकीपिंग है, किसी भी तरह का आप अगर एम्प्लॉई है, सिक्योरिटी गार्ड के अलावा सभी में ये काम में आ जाएगा। अगर आप किसी भी तरह का कंपनी में देना चाहते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट या कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट जो सबसे पहले वाला है इससे जाके आपको अप्लाई करना है। सो मिडिल वाला हो गया सिक्योरिटी, और लास्ट वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया अगर आप विदेश जाना चाहते हो, दूसरा अदर कंट्री जाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर ना सिक्योरिटी में करेंगे, ना ही हम दूसरा कंट्री वाला करेंगे, हम मिडिल वाला करेंगे, पहले वाला करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि नॉर्मली हर एक कंपनी आपको अलाउ करेगी। ठीक है, और आपको यही चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपको एज प्रूफ के लिए क्या क्या लगेगा, इन सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एज प्रूफ के लिए देखिए यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद देखिए SC बोर्ड सर्टिफिकेट यानी SSC का जो बोर्ड सर्टिफिकेट रहता है ये, और बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लीगल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एज प्रूफ के लिए यहाँ पर आप कौन सा भी एक दे सकते हो। तो नॉर्मली हर किसी के पास स्कूल का सर्टिफिकेट रहता है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यहाँ से पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टूडेंट कार्ड, ठीक है, इन सारी चीज़ को आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी एक। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर पासपोर्ट, रेशन कार्ड, करंट, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन बिल, ये सब आपका नाम का होना चाहिए। अगर रेशन कार्ड है तो रेशन कार्ड पे आपका नाम होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिक बिल, अगर इलेक्ट्रिक बिल या टेलीफोन बिल है तो इसमें आपका नाम होना चाहिए। लेटर फ्रॉम सोसाइटी, रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस जो हम लोग रूम एग्रीमेंट के लिए बनाते हैं, इसका भी कॉपी आप दे सकते हो, या यहाँ पर आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो सबसे ईजी है जो आधार कार्ड हर किसी के पास ईजिली मिल जाता है। ठीक है, चौथा नंबर है आपका यहाँ पर कंपलसरी डॉक्यूमेंट, देखिए ये कंपलसरी है, लेटर फ्रॉम कंपनी, आप यहाँ पर कंपनी से आपको लेटर दे सकते हो, ये एप्लीकेशन टू कमिश्नर, कमिश्नर के पास से आप एप्लीकेशन ले सकते हो, यहाँ पर एक पुलिस NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये यहाँ पर तीन यहाँ पर अलग अलग टाइप का है, तो आपको जो भी यहाँ पर आपको सूटेबल है आप यहाँ से दे सकते हो। लेटर फ्रॉम कंपनी, कंपनी की तरफ से एक लेटर दिया जाता है, जब भी आप किसी कंपनी ज्वाइन करते हो एक लेटर दिया जाता है आपको, लेटर हेड आपको पता होगा, तो यहाँ पर कंपनी का नाम रहता है, एड्रेस रहता है, और आप अपना नाम एड्रेस डाल के यहाँ पर कंपनी का स्टाम्प भी रहते हैं, तो इसको इसी तरह एक आता है कंपनी की तरफ से लेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें नेक्स्ट पेज, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन निकल के आया। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप अपना जो सर्टिफिकेट है, आप अपना जो PCC है, उसमें क्या नाम यहाँ पर आप कैसे नाम से आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसा भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे, तो मैं यहाँ पर मेरा हिसाब से लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सो उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे यहाँ पर ID नेम, आप यहाँ पर जो भी ID देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पैन कार्ड देना चाहते तो पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पैन कार्ड का नाम डाल दिया। यहाँ पर आपका डालना है प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप जिस एड्रेस पर रहते हो इस एड्रेस का यहाँ पर डाल देंगे आपके के, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर मराठी में देखिए बाजू में ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, देखिए कभी कभी यहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है या वेबसाइट का इशू रहता है, इसके लिए मराठी यहाँ पर ऑटोमेटिक आता नहीं, आपको टाइप करना भी पड़ता है।
या अगर जिस टाइम अप्लाई करें उस टाइम अगर मराठी नहीं आ रहा है तो आप दूसरा किसी टाइम में यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर भर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर मैंने डाल दिया। ऊपर जो मेरा नाम डाला था यहाँ पर मराठी में पहले नहीं आया था, लेकिन ऑटोमेटिक आ गया बाद में। यहाँ पर सारी चीज़ में जो डिटेल्स यहाँ पर लिखा हूँ ये सारे यहाँ पर अपने आप मराठी में यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक एक चीज़ अगर कहीं नहीं अगर कौन सा भी अगर आता नहीं है तो आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा एक दो बार इधर उधर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेसिडेंट सिंस, आप कितना साल से ये एड्रेस पर रहते हो। अगर आपका अगर जब आप जन्म हुआ है उसके बाद से अगर ये जगह पर रहते हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर दिया। अभी हम लोग को यहाँ पर प्रीवियस एड्रेस डालना है। अगर आप जब अभी जहाँ पर रहते हो अगर उसके अलावा भी अगर आप पहले किधर रह चुके हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे नीचे यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे पहले आप किधर थे। अगर आप पहले किधर नहीं रहा तो आप यहाँ पर उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो अगर आप जहाँ पर रहते हो अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका वर्तमान जहाँ पर रहते हो और आपका जो ओरिजिनल जो एड्रेस है तो यहाँ पर अगर सेम है दोनों यहाँ पर तो सेम एज अबव आप कर देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको अनटिक करके पूरा यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है और प्रेजेंट एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आपका एक ही एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज अबव करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी नेम एड्रेस ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपका डिसिग्नेशन कंपनी में क्या है आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैनेजर लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर डिसिग्नेशन में मैंने यहाँ पर मैनेजर लिख दिया। यहाँ पर आप कंपनी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइप कर देंगे कंपनी का जो एड्रेस है यहाँ पर कंपनी के किस बिल्डिंग का नाम या कंपनी का एड्रेस जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है पूरा आपको डिटेल्स डालना है। जैसे कि आपका डिसिग्नेशन क्या है, आप कंपनी में कौन सा पोस्ट पे हो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिल्डिंग नेम मतलब कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, और यहाँ पर स्ट्रीट लैंडमार्क लोकेलिटी कौन सा स्टेट में है आपका, तो इन सारी चीज़ आप क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं ये सब फिल कर देता हूँ। अभी कंपनी की तरफ से जो आपको लेटर मिलेगा इस लेटर में कंपनी का एड्रेस रहेगा, तो यहाँ पर आप देख देख के यहाँ पर एड्रेस को आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए नीचे, यहाँ पर आप पहले लास्ट 10 ईयर्स से आप कहाँ पर रहते हैं यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा केस में यहाँ पर मैं यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल दूंगा मेरा कितना लास्ट 10 ईयर्स से। जैसे कि यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूँ, मैंने नेहरूल डाला यहाँ पर, ठीक है, नेवी मुंबई। तो यहाँ पर एक गलती यहाँ पर मत कीजिए, मैं यहाँ पर नेहरूल नेवी मुंबई डाला हूँ तो आप इसी तरह मत कीजिए। आप यहाँ पर पूरा आपका फ्लॉट नंबर, ठीक है, फ्लॉट नंबर रूम नंबर ये सब पूरा आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि पुलिस वाला को एक एक्सक्यूज़ मिलता है, एक बहाना मिलता है और आपका फॉर्म को कैंसिल करते हैं या पैसा लेने के लिए भी इस तरह से आपको फिर परेशान करेंगे। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको लिखना है। एड्रेस बोलेगा तो यहाँ पर फ्लॉट नंबर रूम नंबर या अगर आपका पहले का कोई रूम एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में आप यहाँ पर क्या करेंगे, कितना साल से आप रहते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको फिल करनी है लास्ट 10 ईयर्स का आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, उसके बाद या वो जगह का पिन कोड, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप अलग अलग जगह पर रह चुके हैं तो आप यहाँ पर नीचे का कलम में आके आप दूसरा यहाँ पर टाइप करेंगे, दूसरा एड्रेस टाइप करेंगे। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स से अगर आप एक ही एड्रेस पर है तो आप यहाँ पर एक ही एड्रेस टाइप करेंगे। अगर अलग अलग एड्रेस पर है रहते हैं आप तो यहाँ पर अलग दूसरा भी एड्रेस यहाँ पर ऐड करेंगे। यह चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा एड्रेस में पूरा यहाँ पर डिटेल्स आप यहाँ पर टाइप कीजिए, ठीक है। उसके बाद इतना करते आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार डिटेल्स का चेक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए एक जनरल क्वेश्चन आया, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका यहाँ पर कोई निशानी है क्या, मतलब चेहरा में या कहीं पे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हैव यू बीन अरेस्टेड, यहाँ पर नो। हैव यू बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, नो। यहाँ पर देखे क्रिमिनल, इज देयर एनी क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, यहाँ पर कोई केस अगर आपके नाम में बुक है, यहाँ पर नो। इन सारी चीज़ को मैं यहाँ पर नो नो कर दिया, आप भी कर देंगे, ठीक है। नेम एड्रेस ऑफ टू पर्सन इन लोकेलिटी होम यू नो,
आपका जो जान पहचान का दो जन का यहाँ पर आपको नाम और मोबाइल नंबर एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो आप अपना मित्रों का, आप अपना दोस्त का यहाँ पर क्या करेंगे, नाम, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस या उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। पुलिस वाला ये वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं लेकिन कभी कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप किसी भी फ्रेंड्स का यहाँ पर आप नाम और मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह टाइप करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सारी चीज़ फिल कर दिया, मेरा जो फ्रेंड्स का यहाँ पर डिटेल्स डाल दिया। यहाँ पर मैंने देखे एड्रेस में शॉर्टकट में डाला है, तो आपको इसी तरह शॉर्टकट नहीं करना है, आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए लोकल पुलिस स्टेशन एड्रेस, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको पुलिस स्टेशन जो लोकल है यहाँ पर आजू बाजू में उसका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई हेयर बाई करके एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर उसे ठीक करेंगे, मतलब ये जो आपने जहाँ भी जितना तक भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है ये सही है करके यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे यानी ठीक करेंगे। प्लेस आप अपना जगह का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आज का डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो इतना करते ही आपका डिटेल्स पूरा यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड ऑन योर नेटवर्क, ठीक है, ये आपका नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, ये सब सेव हो रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस देख लीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिया है इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है पता है ना, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो यहाँ पर आप डिटेल्स को सेव करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक एसएमएस जाएगा और उस पर एक एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से आप ये पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए एक्टिविटीज़ करके है, यहाँ पर नीचे ऐड फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट, आपको उस पर क्लिक करेंगे। अगर बाय एग्जांपल अगर आपका सामने अगर ये पेज आता नहीं है, यहाँ पर अगर जब आप यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर फोटो अगर अपलोड करने का अगर पेज आता नहीं है, ऑप्शन नहीं आता है, तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आएंगे, उसके बाद ऐड फोटो एंड डॉक्यूमेंट आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका सामने यहाँ पर ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एसएमएस में यहाँ पर जो नंबर गया हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आपका एक एप्लीकेशन नंबर आपका एसएमएस पे जाएगा, तो आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसको, ठीक है, और सर्च करेंगे। सर्च करते देखिए आपका यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, फ़ोटो अगर अपलोड करना है, ठीक है, तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 95% लोग यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप भी हो सकते हैं उसमें से 95% में से है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज़, मेरा चैनल में मैंने पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मोबाइल से पीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट कैसे रिसाइज करें, लैपटॉप से डेस्कटॉप से पीसीसी के लिए कैसे डॉक्यूमेंट रिसाइज करें, ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तो आपको जो पसंद है वही वीडियो आप ढूंढ के यहाँ पर देख सकते हो, या मैं इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना हुआ है, ठीक है, इसको अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपका जो फोटो रहेगा इसका जो फॉर्मेट रहेगा JPEG, ठीक है, PNG, TIFF फॉर्मेट में होना चाहिए, इसमें से कौन सा भी एक। फ़ोटो का जो साइज़ है 5KB 20KB होना चाहिए, पिक्सल यहाँ पर 160 और हाइट यहाँ पर देखिए 200 से लेके 212 पिक्सल तक, ठीक है। काफ़ी सारे लोग एक गलती करते हैं, यहाँ पर जो KB जो है 5KB टू 10KB फोटो को बराबर सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्सल को सेट नहीं करते, ठीक है। अगर आप सिर्फ KB को सेट करते हो और पिक्सल को सेट नहीं करते हो तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। सिग्नेचर का भी सेम है, या सिग्नेचर का भी साइज़ सेम है 5KB टू 10KB, पिक्सल थोड़ा चेंज है 256 width से और 64 हाइट है। डॉक्यूमेंट के लिए देखिए यहाँ 75 to 100KB,
पिक्सल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर कोई पिक्सल मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर अपना मर्जी से पिक्सल को सेट कर सकते हो, दे सकते हो कितना भी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर मेरा हिसाब से एक सेट कर दिया 350 to 450, ठीक है। ये मतलब नॉर्मली मैं जब एक्सपेरिमेंट किया था तो भी ये मुझे अच्छा लग रहा था, या इससे काम हो रहा था, इसके लिए मैंने ये सेट कर दिया। अदरवाइज थोड़ा कम ज़्यादा पिक्सल रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर जो फोटो रहेगा आपका, फ़ोटो को जब आप सेव करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर पेन लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं जब पेन कार्ड को यहाँ पर सेव करूँगा मेरा फ़ोन पे या कहीं पर भी, यहाँ पर सिर्फ इसी तरह पेन होना चाहिए, ना कि पेन उसके बाद इसी तरह स्पेस उसके बाद यहाँ पर CA कार्ड पेन कार्ड, ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं होगा। पेन है तो यहाँ पर पेन कार्ड अगर अपलोड कर रहे हो या आपका डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है, जैसे कि हर एक इमेज का एक एक नाम होता है, तो आप नाम को यहाँ पर रीनेम करके यहाँ पर अगर कोई इसी तरह डॉट रहता है, जैसे कि ये डॉट करेक्टर्स वगैरह, तो इन सब का हटा देंगे। कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा यार पेन कार्ड डाल रहे हो तो सिर्फ पेन कार्ड डालो, कोई भी यहाँ पर स्पेस या स्पेशल करेक्टर ये सब डालेंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं होगा। कितना भी आपका साइज परफेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपलोड फोटो पर आया यहाँ पर, ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा गैलरी से मैं फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा फ़ोटो जहाँ पर भी मेरा रखा रहेगा मैं वहाँ से अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने क्या किया, मेरा फ़ोटो ले लिया, उसके बाद नीचे का अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सेव फ़ोटो कर देंगे, ठीक है। अगर ये फ़ोटो का साइज़ अगर परफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, सेव नहीं होगा। मेरा ये परफेक्ट हो गया, इसके लिए यहाँ पर अपलोड भी हुआ, अभी सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको सिग्नेचर भी सेम इसी तरह कर लेना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर सेव होने के लिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ठीक है। सो मेरा यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ पर फ़ोटो भी आ चुका है। अपलोड साइन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैंने सिग्नेचर अपलोड करूँगा, ठीक है। चूज़ फाइल, देखिए काफ़ी सारे लोगों 95% लोगों को यहाँ पर क्या होता है, तकलीफ होता है यहाँ पर, मतलब अपलोड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते। तो इस अगर आपको ये ऐसी तरह प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो कॉमेंट है, कॉमेंट के नीचे मैं लिंक को पेस्ट कर दूँगा ताकि वह से आप देख सकते, ठीक है। सो मैं यहाँ से मेरा सिग्नेचर को अपलोड करता हूँ। सिग्नेचर मैं कहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर का भी यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी अगर आपका साइज़ परफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर एक एरर आता है, ठीक है। तो एरर आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले आपको जो जो चीज़ कहा था, यहाँ पर देखिए डू नॉट नोट करके यहाँ पर रेड कलर से लिखा है, डू नॉट यूज़ द स्पेस स्पेशल करेक्टर एंड डॉट। तो ये मैं पहले आपको बताया, तो इसी तरह से आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अभी सबसे पहले ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर है, ठीक है। ग्रुप वन का यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ग्रुप टू से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टूडेंट, स्टूडेंट मान लगे तो आपका स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। मैं यहाँ पर पेन सिलेक्ट करता हूँ। तीसरा में आएंगे तो आपको कौन सा भी एक सिलेक्ट करना है, रेशन कार्ड, एफिडेविट, रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस, जो रूम एग्रीमेंट होता है, लेटर फ्रॉम सोसाइटी, तो मैं यहाँ पर रूम एग्रीमेंट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेटर फ्रॉम कंपनी, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। तो ये यहाँ पर चार डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले वाला में आपको क्या अपलोड करना है ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे आपको यहाँ पर क्या अपलोड करना है। दूसरा वाला में पैन, तीसरा वाला में रजिस्टर और रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस, और चौथा वाला में कंपनी का लेटर। इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका भी मैंने साइजिंग साइज़ क्या है ये सब आपको बता। सो यहाँ पर देखिए आपको तीन इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले वाला देखिए यहाँ पर 91.2 KB, दूसरा वाला में आएंगे तो यहाँ पर 91.2 KB, यहाँ पर तीसरा वाला में आएंगे तो 91.2 KB, यानी तीनों सेम साइज़ का है, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको एक ही डॉक्यूमेंट सभी जगह पर अपलोड करके दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा अभी सभी फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीन फाइल सेम क्यों लिया, जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने। सबसे पहला वाला जो है इसमें देखिए DOC डॉक लिख के मैं यहाँ पर स्पेस दिया, उसके बाद यहाँ पर अंडरस्कोर दिया, फिर B लिखा। अगर ये इमेज को मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। दूसरा वाला ओनली DOC ये फोटो अपलोड होगा। तीसरा वाला DOC लिख के 1:1, तो ये फोटो को अगर मैं अपलोड करूँगा तो भी ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको सिर्फ क्या करना होगा, जो भी अपलोड करो यहाँ पर कोई स्पेस या स्पेशल करेक्टर वगैरह ऐड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर
एक ही फ़ोटो को मैं सभी जगह पे यहाँ पर अपलोड करूँगा। अगर मैं बहुत सारे फ़ोटो या अगर एडिट करने लगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपना अलग अलग फ़ोटो को यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे और साइज़ करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चारों में मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट सेव होने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न से अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं होता है तो नीचे यहाँ पर रेड कलर से आपका एक एरर दिख जाएगा। तो अगर कुछ एरर आता है इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। जब यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर चार डॉक्यूमेंट यहाँ पर नीचे आ रहा है। इसी तरह अगर आपको चार डॉक्यूमेंट यहाँ पर नीचे शो होता है इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन है, आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पे फीस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करना है, पे ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको ईजी रहे प्रोसीड टू पे। उसके बाद आपका यहाँ पर नेट बैंकिंग वॉलेट जो भी आपको ईजी लगे। सो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चुना है, आप अपना जो भी ईजी लगे वही ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर पे गवर्नमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे लिए देखिए यहाँ पर एक कार्ड आ गया, ठीक है। 123 रुपये यहाँ पर हमें पे करना है। यही चीज़ अगर हम साइबर कैफ में जाके करते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये आपको लगता है, लेकिन आप यहाँ पर 123 रुपये में आप PCC बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरे डिटेल्स भी आ चुके हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर भी आया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम भी आ जाता है, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका कार्ड नंबर ये सब डाल के आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट को कर देंगे। एक बार आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वाला पेज पर आएंगे, फिर से आप होम पेज पर आएंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका काम यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, आप यहाँ से आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है उन्हें आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर देखिए एक PDF ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके है। यहाँ पर मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आप अपना क्या करेंगे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट जो क्या है उसका भी आप यहाँ पर एक कॉपी क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, जो पेमेंट का रिसिप्ट और जितना भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किया है, इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में कैरी करके लेके जाना है। साथ में जेरक्स भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। आपको वहाँ पर जेरक्स जमा करना होगा और ओरिजिनल शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप पुलिस स्टेशन में आपको एक बार वेरीफाई हो जाएगा उधर, और पुलिस वाला आपका डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 से 7-8 दिन या 10-12 दिन के अंदर आपका लोकल पुलिस स्टेशन में आपको यह सब सबमिट करना है, ठीक है। आपका जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर यह सबमिट करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम चुने थे उसी पुलिस स्टेशन में जाके आपको यहाँ पर सबमिट करना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा लोकल पुलिस स्टेशन से, आपका जो ये है अप्रूव हो गया है, ठीक है। अगर किसी रीज़न से रिजेक्ट होता है तो आपको रिजेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आपको यहाँ पर अप्रूव पेंडिंग दिखाएगा। एक बार देखिए यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखा है, पेंडिंग लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखा है, यहाँ पर पेंडिंग, ठीक है। अगर नीचे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर देख सकते, इसी तरह कुछ लिखा आ गया, एप्लीकेशन स्टेटस एट लोकल पुलिस स्टेशन अप्रूव। उसके बाद आपका CFC ऑफिस में आपको पेंडिंग दिखाएगा, फिर और कुछ दिन के बाद 20-21 दिन के बाद यहाँ से भी अप्रूव दिखाएगा। दोनों जगह से जब अप्रूव दिखाएगा उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड में आएंगे, आप क्या करेंगे, डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन है, आपका जो PCC है, ये यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सेम ऑप्शन पर आएंगे डाउनलोड वाला, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करके यहाँ से आप अपना PCC को डाउनलोड कर पाएंगे। सो आई होप A to Z आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई भी स्टेप मुझसे मिस हो गया या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका वीडियो का कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको इस वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल रहा है तो चैनल में, अगर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके जाइए, अगर आप लाइक करते हो तो चैनल को वीडियो को बूस्ट मिलता है, इस वीडियो दूसरे लोगों के पास तक भी पहुँचेगा। तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें आप। सो मिलते हैं अगले कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।